वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पर। आपकी बुक में साइड पर एक येलो बॉक्स बना हुआ है, उसमें डिफरेंट 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कशन की हुई है। बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। पहली ब्रांच जो बताई हुई है बेटा, पहले बात तो ये कि फिजिक्स को मेजरली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, दो ब्रांचेस में स्टडी किया जाता है। एक को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स 18वीं सदी और 19वीं सदी की जो फिजिक्स है, 19वीं सदी तक की जो फिजिक्स है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। 20वीं सदी के बाद की जो फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं जितनी भी, उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो पहली ये जो मैंने 5 ब्रांचेस लिखी हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, इनका मेजरली ताल्लुक होता है क्लासिकल फिजिक्स से। ठीक है, तो पहली 5 ब्रांचेस का ताल्लुक क्लासिकल फिजिक्स के, उसके बाद हम जो ब्रांचेस पढ़ेंगे उनका ताल्लुक होगा किससे, मॉडर्न फिजिक्स से। तो बात करते हैं पहली ब्रांच की, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है बेटा? मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ मोशन। अब मोशन किसको बोलते हैं बेटा? मोशन बोलते हैं मूवमेंट को, हरकत को। ठीक है जी, मूवमेंट, हरकत, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो मोशन की स्टडी है। क्या मोशन के कॉज, यानी मोशन किसी बॉडी में पैदा हुई है तो उनकी वजूहात क्या थी, रीजंस, प्लस उनके पैदा होने से जो असरात मुरतब हुए, जो असरात, जो इफेक्ट्स पैदा हुए वो क्या थे, असरात। अब मिसाल के तौर पर एक कार है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही, ये पॉइंट ए पर है। आप इसका इंजन स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए पर है, इसका इंजन स्टार्ट करते हैं, इसको मूव करवाते हैं, गाड़ी मूव करना शुरू करती है। मूव करते करते गाड़ी इस पॉइंट बी पर आ जाए तो अब क्या हो गया, गाड़ी की पोजीशन चेंज हो गई, इसने फासला तय कर लिया, यानी कि मोशन की वजह से तब्दीलियां क्या क्या आई, इसने पोजीशन चेंज की अपनी, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। और ये मोशन किस तरह की थी, ये मोशन थी जी एक लाइन में, इनको हम बोलते हैं लीनियर मोशन थी। ठीक है जी, मोशन एक लाइन में थी जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। फिर एक और मिसाल, लेट्स से ये एक बॉल है मेरे पास और इस बॉल को करते हैं किक। इस बॉल को जब किक करते हैं तो बॉल एक फ्लाइट लेता है इस तरह से। अब देख रहे हैं कि बॉल और कार, इन दोनों की मूवमेंट में फर्क है। कार एक सीधी लाइन में मूव कर रही है जबकि बॉल क्या कर रहा है, एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, मुख्तलिफ इकसाम की होती है। इन तमाम तर खसूसियात को, मोशन को, मोशन के कॉजेस को, उसके अफेक्ट को, उसके असरात को स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट है जी हीट। हीट क्या है, हीट बेसिकली क्या है, हीट क्या है, तो इसके क्वेश्चन मार्क को रेज करके इसका आंसर बताते हैं। एनर्जी है, हीट क्या है, एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडीज टू कोल्ड, गर्म जिसम से ठंडे जिसम की तरफ ट्रांसफर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये फायर है,
आग जब जल रही हो तो आप जानते हैं कि आप क्या करें सर्दियों में, आग के ऊपर यहां पर कहीं पर ले जाकर अपने हैंड्स प्लेस कर दें, अगर हाथ रख दें तो इस आग से हीट आपके हाथों की तरफ आती है। इसका टेम्परेचर हाई होता है, हॉट बॉडी है। आपके हाथ जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं। तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। अब हीट को एक ब्रांच क्यों बनाया गया, क्योंकि एक छोटी स्टडी नहीं है, एक बड़ी स्टडी है। इसमें हीट की नेचर को स्टडी किया जाता है, हरारत किस तरह की नेचर, उसकी खसूसियात क्या क्या है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ अजसाम से पैदा होने वाला जो फ्लेम होता है फायर का, उसकी उसका कलर भी चेंज होता है। आपको रेड कलर का फ्लेम भी मिलता है, येलो कलर का फ्लेम भी मिलता है, आपको ब्लू कलर का फ्लेम भी मिलता है। तो उसकी नेचर, फिर उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है। अब देखिए, आप अगर हाथ को आग से कुछ फासले पर रखते हैं तब भी हीट ट्रांसफर होती है, आग के ऊपर रख देंगे तब भी हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन मेथड चेंज हो जाएगा। इसी तरह सूरज से जमीन तक भी हीट ट्रांसफर हो रही है, वो भी डिफरेंट मेथड से हो रही है। इनको स्टडी किया जाता है किसमें, हीट में। ठीक है जी। फिर साउंड, साउंड क्या है, साउंड भी बेटा फिजिक्स की एक ब्रांच है। आवाज, साउंड बेसिकली क्या है, आवाज, आपकी आवाज या किसी की भी आवाज। तो साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक किस्म है जो कि वेव्स की शक्ल में ट्रांसफर होती है, वेव्स की शक्ल में मूव करती है, ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में, ये वेव्स की शक्ल में क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब हम बेसिकली साउंड में क्या करते हैं, इन्हीं साउंड वेव को स्टडी करते हैं। इन साउंड वेव के फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल कहते हैं जिनका ताल्लुक किससे हो, दिखने से हो, जाहिरी, ठीक है। और जाहिरी एस्पेक्ट्स साउंड के, फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी कि जो फिजिकली हमें महसूस होते हैं, जैसे कि अगर मैं लाउड बोलूंगा तो लाउड साउंड फील होगा, अगर मैं थोड़ा सा फेंट बोलता हूं तो फेंट साउंड फील होता है। इसी तरह बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं, जैसे औरतों और बच्चों की आवाज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो श्रिल होती हैं, बारीक आवाज़ होती है, मर्दों की आवाज़ भारी होती है। तो ये तमाम तर खसूसियात। अच्छा, फिर साउंड पैदा कैसे होता है, आप क्लैप करते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है, आप बीट करते हैं ये देखें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप बेसिकली साउंड किससे पैदा होता है, वाइब्रेशन से। साउंड किससे पैदा होता है जी, वाइब्रेशन से। अजसाम के वाइब्रेट करने से। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात क्या क्या है, ये मैंने आपको बताया कि कुछ आवाजें भारी होती हैं, कुछ बारीक होती हैं, सब क्या है इसकी खसूसियात। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन कहते हैं ट्रेवल, साउंड वेव के ट्रेवल को, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। देखिए, मैंने नीचे एक साउंड वेव बनाई भी है। साउंड वेव जो होती है ना, कई कहीं कहीं से क्या होती है, एक दूसरे के करीब करीब वेव पैदा होती है। जैसे कि ये देखें, इस हिस्से में देखें तो साउंड वेव एक दूसरे के करीब करीब है। इसको कहते हैं कंप्रेशन, यानी कि यहां से साउंड वेव्स क्या है, कंप्रेशन। फिर कहीं से एक दूसरे से थोड़ा फासले पर आ जाती है, इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। यहां से साउंड वेव्स क्या है, एक दूसरे से फासले पर है। तो साउंड वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। इन तमाम तर जो प्रॉपर्टीज हैं या तमाम तर चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है जी लाइट। लाइट क्या है, लाइट भी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको मिलती है। आप सूरज से रोजाना दिन में बहुत ज्यादा लाइट हासिल करते हैं, इतनी लाइट आप बनाते नहीं जितनी सूरज आपको दे देते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब लाइट जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स, वही इसकी जाहिरी खसूसियात, ठीक है जी।
फिर जैसे कि आपको पता है व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और डिफरेंट खसूसियात जो लाइट के हैं, आपको रोशनी में नज़र आता है, बगैर रोशनी के नज़र नहीं आता, अंधेरे में नहीं आप देख सकते, उसकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, फिर वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बेटा? जो मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं इसके अंदर जो लेंस है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह आपने देखा होगा जो वॉचमैन होते हैं, जो घड़ियां सही करते हैं, वॉच मेकर जो होते हैं, उनके पास एक मैग्नीफायर होता है। ये मैग्नीफायर भी क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसी तरह माइक्रोस्कोप यूज होती है, ये भी क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी वर्किंग कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनकी वर्किंग क्या है और इनका यूज क्या है, ये तमाम तर बातें कहाँ पर स्टडी की जाती हैं? लाइट में स्टडी की जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी से बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिज्म जो है वो उसका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की मूवमेंट है। चार्ज कैसे बनता है बेटा? चार्ज बनता है एटम से, ठीक है। चार्ज कैसे बनता है? एटम से बनता है। एटम क्या है? बुनियादी पार्टिकल है किसी भी बॉडी का, किसी भी जिस्म का। तो इसके बारे में तफसीलन स्टडी होगी आपकी आगे, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी होती है स्टडी। तो बेसिकली आपने याद रखना है चार्ज है, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जिसको प्लस साइन से जाहिर किया जाता है, एक होता है नेगेटिव जिसको माइनस साइन से, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है दो तरह के चार्जेस होते हैं, ये रेस्ट में इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, मूव करेंगे तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। और मैग्नेटिज्म का क्या ताल्लुक है इनसे? देयर इफेक्ट्स, इनके असरात और इनका रिलेशनशिप किसके साथ? मैग्नेटिज्म के साथ, इसको स्टडी किया जाता है। मैग्नेटिज्म मकरातीसी इफेक्ट, अट्रैक्शन और रिपल्जन, आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो होते हैं बेटा इस तरह से यू शेप में आपने मैग्नेट देखे होंगे अक्सर, मैग्नेट होते हैं वो डिफरेंट जिसाम को अपनी तरफ, मेटालिक बॉडीज को, मेटल बॉडीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैग्नेट्स चार्जेस के साथ इनका क्या ताल्लुक है, चार्ज के मूव करने से किस तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इनकी स्टडीज को हम किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। बेटा जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास उसको अभी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बात करते हैं बाकी की अपनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पर। तो ब्रांच नंबर 6 है जी हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? तो एटॉमिक लफ्ज में ही एटम लिखा हुआ है। अब एटम क्या है? एटम बेटा फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी बॉडी का। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बॉडी है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास इतनी रह जाती है, इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, इतनी रह जाती है, मजीद डिवाइड करता हूँ, इतनी रह जाती है। डिवाइड करते 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 एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकूंगा। ये एटम की डेफिनेशन है, ठीक है, कि वो पार्टिकल जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। जब एटम को डिफाइन किया गया तो क्या उसको हमने बोला? उसको फंडामेंटल पार्टिकल बोला और उसका नाम रख दिया एटम। तो किसी भी बॉडी का जो बुनियादी पार्टिकल, आप यूं भी कह सकते हैं कि वो पार्टिकल जिससे अजसाम मिलके बनते हैं, जिस जो मिले तो कोई जिस्म बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये जो एटम है इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली इसका अगर आपको बताया जाए तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके गिर्द शेल्स होते हैं इस तरह से, ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में एक पार्टिकल घूमता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। तो इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए मिसाल के तौर पर तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए एक और तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, इनकी स्टडी को
एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा जाता है। और याद दिलाने के लिए आपको बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि फिजिक्स दो तरह की ब्रांचेस, आमतौर पे मेजरली फिजिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, एक है क्लासिकल और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। पहली पांच जो ब्रांचेस हमने पढ़ी थी वो थी क्लासिकल फिजिक्स के लिए, और अब जो एटॉमिक फिजिक्स है बहुत माइनर लेवल पर, यानी कि बेसिकली जो क्लासिकल फिजिक्स है वो एवरेज एजसाम, एवरेज बॉडीज की जो फिजिक्स होती है, यानी कि ऐसे एजसाम जो जाहिर आंख से नजर आते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो स्टडी है वो क्लासिकल फिजिक्स में होती है। और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा छोटे एजसाम जो जाहिर आंख से नहीं नजर आते, बहुत ज्यादा बड़े एजसाम, ठीक है, इनकी स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली न्यूक्लियस की स्टडी है, न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया एटम को जब मैंने डिवाइड किया तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है जी सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, और एटम क्या है, हर बॉडी का फंडामेंटल पार्ट है, तो फंडामेंटल पार्ट का भी मरकजी हिस्सा, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज और पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी, इनकी स्टडीज इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि न्यूक्लियाई की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंसेस जिसको आप बोलते हो, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर स्टडी, न्यूक्लियर एनर्जी भी बनती है, ये तमाम तरह स्टडी जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स पर, प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, प्लाज्मा बेटा मैटर जो है ना, मैटर मादा जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में पढ़ा था, मैटर, मैटर क्या है, मैटर एवरीथिंग दैट हैज सम मास एंड हैज सम वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो मैटर की फोर स्टेट होती है, पहली स्टेट जो होती है लेट्स वो सॉलिड होती है, दूसरी स्टेट जो होती है वो लिक्विड होती है, थर्ड स्टेट जो होती है वो होती है गैस। अब सॉलिड लिक्विड गैस ये तो हमें आम रूटीन लाइफ में, हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें नजर आती जाती रहती हैं, सॉलिड का भी पता है, लिक्विड का भी पता है, गैस का भी पता है, एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो स्पेशल है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बेसिकली फोर्थ स्टेट है, इसको कहते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें मैटर क्या करे, आयंस की शक्ल में पाया जाए। आयंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ही क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है, ठीक है, तो ये इसमें एटम्स जो होंगे वो आयंस की शक्ल में पाए जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की शक्ल में पाए जाते हैं, इसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट जो हमारी ब्रांच है वो है जियोफिजिक्स, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। जियोफिजिक्स क्या है, जियो बेटा कहते हैं जमीन को, अर्थ को, जियो कहते हैं अर्थ को, तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोफिजिक्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अर्थ इज मेड अप ऑफ प्लेट्स, अर्थ का जो इंटरनल जो है वो कुछ प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स का कैसे पता चला, ये जियोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, इन प्लेट्स की मूवमेंट, आपको पता है कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो अर्थ के अंदर जो मुख्तलिफ लेयर्स पर प्लेट्स होती हैं वो शेक करती हैं, उनकी फॉर्मेशन में चेंज आता है, तो क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। इस स्टडी को किस में पढ़ा जाता है, जियोफिजिक्स में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। तो बेटा ये थी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं, 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आपने याद करनी है, इनमें से कुछ ब्रांचेस का ताल्लुक था क्लासिकल फिजिक्स से और कुछ का ताल्लुक था मॉडर्न फिजिक्स से। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।